पूजा गुप्ता अगेन आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सिंपल सा मेकअप ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ। हालांकि बहुत ही बेसिक सा ही मेकअप होता है, सो मैंने सोचा कि उन्होंने ये बेसिक सा मेकअप आपके साथ शेयर किया जाए, जिस जो थोड़ा भी मेकअप नहीं जानते हो तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो चलिए गाइस, सबसे पहला स्टेप, आप अपने बालों को बन बना लीजिए जिससे ये बार बार आपको डिस्टर्ब ना करे। ये हमने बन बना लिया ये, और फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये एक हेयर बैंड है जिससे ये जो बाल फ्रंट फेस पे आते हैं और डिस्टर्ब करते हैं तो इसको मैं लगा लूँगी जिससे ये मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करे। ये हो गया मेरा बन। अब एक भी देखिए गाइस, एक भी बाल फेस पे डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेक श्योर कर ले कि आपका फेस अच्छे से वॉश हो, और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे उस पर टोनर। तो मैंने ये टोनर यूज़ किया है, कोकुम्बर टोनर है, इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। इसको अपने हैंड से भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगी फेस पे अच्छे से। देन उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ये सीरम। मैं यूज करती हूँ रोज ही फेस सीरम, गुड वाइब्स का सीरम है, बहुत ही हल्का सा। मैं पहले हैंड पे ले लेती हूँ, दो बूंद काफ़ी है। और फिर इसको जहाँ पे आपके फेस पे जहाँ ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है इसको वहाँ पे अप्लाई करूँगी जिससे वो ड्राइनेस आपके फेस पे कम हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम मेकअप कर लेते हैं तो कई कई ड्राइनेस हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो जहाँ जहाँ आपके ज़्यादा ड्राइनेस होती होगी आप वहाँ पे सीरम को अप्लाई कर लीजिए और अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने मिक्स कर लिया। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, लैक्मे सन एक्सपर्ट है ये। देखिए गाइस, गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो अब मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पे बहुत ही थोड़ा सा। ये देखिए, इसको मैं हैंड से ही ऐसे से टैप टैप करके फेस पे इसको अच्छे से स्प्रेड करूँगी। इसको मैं हैंड से ही अच्छे से फेस पर पूरे जगह, कहीं भी ऐसा ना हो कि कहीं कोई जगह छूट जाए, आराम से अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। मेरे देखिए गाइस, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है फेस के हर एक कॉर्नर में। सो मैं लक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन यूज करती हूँ गाइस, ये देख सकते हैं। इसको भी मैं हैंड पे ही लूंगी, ये थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, और देन इसको टैप टैप करके पूरे फेस में इसको ऐसे 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 पूरे फेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। अब मैं इसको मैं हाथ से नहीं करूँगी, इसके लिए मैंने ये स्पॉन्ज है, इसके थ्रू मैं इसको मिक्स करूँगी। आप हैंड से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, आप हैंड से भी कर सकते हैं। मेरे पास भी नहीं था, ये बहुत नॉर्मल सा है, ये जो बॉक्स आती है ये कॉम्पैक्ट का है, मेरे पास भी नहीं था, मैंने सोचा कि अरे नॉर्मली करना होता है मेकअप तो क्यों ना इसी का यूज कर लिया जाए। जो कॉम्पैक्ट खत्म हो जाता है ये उसका स्पॉन्ज है, इसको अच्छे से ऐसे ब्लेंड कर लिया। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे ये कंसीलर। ये देखिए गाइस, ये कंसीलर का पैलेट है, तो कंसीलर यूज करेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि मैं इसमें क्या और भी अच्छा कर सकती हूँ।
जाएगा, तो मैं इस कंसीलर को अपने आंखों के नीचे हैंड से ऐसे से टैप कर दूंगी और इसको मैं आंखों के ऊपर, जिससे जब मैं आई मेकअप करूं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। ये और मैं यहाँ नोज पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ कर लिया। अब मैं इसको इसी ब्लेंडर के थ्रू इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए गाइस, मैंने इसको ऐसे मिक्स कर लिया अच्छे से। अपना आई मेकअप करेंगे, जैसे भी है, आता तो है नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आई मेकअप। मेरा ब्रश कहाँ गया है? ये मुझे मिला ब्रश, ये देखिए ये मेरा ब्रश, इतना छोटा सा ब्रश है। तो पहले हम लोग आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ही लाइट कलर के कलर अप्लाई करेंगे। एक ये जो क्रीज है, ये पहले हम क्रीज सेट कर लेते हैं, ये हमारा क्रीज है। फिर यहाँ पे हम लोग लाइट कलर जो है अप्लाई कर रहे हैं, ये ऐसे ही दूसरे आईज पे। ये मैंने दोनों आंखों में ये दोनों ही मैंने अप्लाई कर लिया है, बेसिक सा जो कि बहुत ही लाइट कलर है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे कौन सा कलर, मैं कौन सा कलर है? पिंक कलर मैं अप्लाई करूंगी। पिंक कलर, पिंक कलर, पिंक सा पिंक कलर है ये गाइस। सो गाइस जरूर बताइएगा कि मुझे मैंने मेकअप कैसा किया है, अच्छा किया है, नहीं अच्छा किया और बेहतर कर सकते हो तो गाइस प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिएगा, जिससे मैं आप लोगों से सीखूं मेकअप, आई मेकअप कंप्लीट, क्योंकि मुझे इतना ही आई मेकअप आता है। सो इसके साथ मैं वाइट तो कर नहीं सकती, वाइट तो बहुत गंदा लगेगा, बट ट्राई करती हूँ मैं ये वाइट कलर, इसको थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर पे, ये यहाँ पे वाइट कलर आई थिंक सूट करेगा गाइस। ये देखते ये मिक्स नहीं हुआ अच्छे से, इसको अच्छे से मिक्स करें। ओहो पता ही नहीं चल रहा, बट कोई नहीं, इसको ऐसे कंटिन्यू करते रहे, कुछ ना कुछ तो आंखों पे कोई ना कोई अच्छा सा इमेज बनेगा ही, तो करते रहिए, मैं भी कर रही हूँ इसके साथ वाइट। आई थिंक अब बेटर हो गया, हाँ अब बेटर हो गया ये। हाँ अब बेटर हो गया, तो गाइस मस्त लग रहा है, देखिए मेरे आईज को। अब मैं अप्लाई करूँगी आईलाइनर, आईलाइनर कैसे लगाएंगे मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए ऐसे ही दोनों आईज, दोनों आंखों में आईलाइनर लग गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे काजल। कर रही हूँ ये ब्रश, ये मुझे काजल के साथ मिला था, तो मैं इसको इसके थ्रू मैं काजल आंख में ऐसे लगाऊंगी। सो ये देखिए गाइस, ऐसे ही सेम साथ में तो मैंने काजल को अप्लाई कर लिया गाइस, देख सकते हैं। मैं आईब्रो शेड करने के लिए क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं उसको अलग से कोई ऐसा पेंसिल से नहीं सेव करती हूँ, मैं पैलेट है मैं उसमें से ब्लैक कलर लेके इसको ऐसे से शेड कर लेती हूँ। सो आप भी देखिए, ये है ब्लैक कलर और मैं इस ब्रश के थ्रू ऐसे इसके जो है पॉइंट पर हल्का सा ये कलर लेती हूँ ब्लैक कलर, और इसको
ये देखिए गाइस, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें इसमें देखिए कितना ज़्यादा अंतर है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि सारा जो खेल होता है ना वो आईब्रो का ही होता है, क्योंकि जब आईब्रो अच्छे से सेट हो जाती है ना तो ये पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। आईब्रो के लिए कुछ ऐसा कुछ रखी नहीं हूँ, सो मैंने सोचा क्यों ना इसी पैलेट को ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इतना सारा ख़त्म तो होता नहीं है। सो एक तो मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया। तो मैं आपको भी ये एडवाइस करूँगी कि अगर आपके पास पेंसिल नहीं है आईब्रो शेड करने की, सो आप इसको इजीली इसको आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और पता भी नहीं चलता है कि आपने यूज़ क्या किया है। सो घर में अगर कोई चीज़ नहीं है, जो है उसका ही यूज़ करो, उसको कितने तरीके से यूज़ कर सकते हो ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो ये हो गई हमारी आईब्रो सेट। ये हमारी आईब्रो हो गई सेट। अब इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे, लिपस्टिक यूज़ करेंगे। ये है पिंक कलर, लॉरियल की लिपस्टिक है। सो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे क्योंकि इस पर ये कलर अच्छे से जाएगा। सो पहले ये लाइन सेट कर लें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ शादीशुदा लेडीज़ के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, बिंदी एंड सिंदूर। तो हम लगाएंगे बिंदी, क्योंकि मैं छोटी बिंदी भी लगाती हूँ लेकिन मुझे बड़ी बिंदी बहुत पसंद है। ये है हमारी, ये ऐसी बिंदी लग गई, बहुत बड़ी लग रही है शायद, नहीं छोटी सी लगाई जाएगी, ये बहुत बड़ी लग रही है। तो चलिए हम छोटी बिंदी लगाएंगे। ये हमारा, ये हुआ बिंदी। आप बताइए क्या इसमें कैसी लग रही हूँ। एक चीज़ और, अब हम लोग ये बैंड हटाएंगे और उसके बाद हम लोग हेयर को अच्छे से कॉम करेंगे। ये है, ये देखिए सिंदूर, जीवन कर लेता है श्रृंगार, सच है ना कुमकुम से। ये है मेरा ये फाइनल लुक। बहुत ही अच्छी लगती है और बार बार फेस पे आती है तो डिस्टर्ब करती है। सही साइड करेंगे, ये देखिए अब मैं हो गई प्रॉपर रेडी। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा, और मैं वेट करूंगी आप लोगों के कमेंट्स का कि आप लोग मुझे और कि मुझसे क्या गलती हुई मेकअप में, जिसको मैं और भी अच्छा इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो गाइस प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी वीडियो लेके आऊँ। सो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके गाइस बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।